अच्छा आपका ये वाला जो असाइनमेंट है ये कल ड्यू है और ये जो एच टी एम एल फॉर्म वाला था इसके अंदर आई थिंक वो जो आपको वो बनाना है <coughs> एक पूरा फॉर्म टाइप जो था ये वाला क्योंकि अब आपने ये फॉर्म्स वगैरह सारे पढ़ लिए हैं ये सब इसी से ही होगा ये टेबल वाला जो है अभी तक काफी बच्चों ने नहीं दिया है सिर्फ सेवनटीन ने दिया है और इसके अलावा यानी कि छह बच्चे और हैं जिन्होंने ये असाइनमेंट अभी तक नहीं दिया है तो जो बाकी बच्चे हैं हमारे पास ये छः इनके हमने ज़ीरो सेट कर दिया बाकी जो ये छः हैं इनकी ग्रेडिंग हो जाएगी सही है <coughs> क्या नहीं ये वाला असाइनमेंट ख़त्म हो गया इसका डेट ख़त्म हो चुकी है आप बस ये जो दो, दो हैं आप ये अब आप आगे कर सकते हैं इसका टाइम ख़त्म हो चुका है क्योंकि एक दफ़ा अगर मैंने ग्रेड कर दिया और रिटर्न कर दिया ना उसके बाद क्लोज़ हो जाता है उसके बाद चेंज नहीं होता तो खैर आपके ये असाइनमेंट्स हैं बाकी जो कल वाला ये है अभी आई थिंक बारह बच्चे हैं जिन्होंने असाइनमेंट जमा नहीं कराया है इसको ज़रा गौर से करें बहुत आसान है बाकी ये तो आपके असाइनमेंट्स हैं आपकी अटेंडेंस भी हो गई अब हम फाइनली चलते हैं हम अपने क्लास वर्क पे तो आज की क्लास में बेसिकली हम सबसे पहले तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं क्विकली कि हमने क्या क्या पढ़ा था जब आप नए नए आए थे तो हमने सबसे पहले HTML का सैन पढ़ा और ये चीज़ हमने देखी कि HTML का टैग होता है उसमें हेड का टैग होता है बॉडी का टैग होता है ठीक है लेकिन हमने एक चीज़ देखी कि ज़्यादातर जो काम है वो हमारा किस में हो रहा था बॉडी में हो रहा था उसके बाद हमने टैग्स जब स्टार्ट किए तो हमने सबसे पहले किसकी बात की टेक्स्ट कि हम टेक्स्ट किसके थ्रू लिख सकते हैं उसके लिए हमने एच वन लिखाया लिखा, लिखा <coughs> और ये एच सिक्स तक जाता है उसके बाद हमने कौन सा टैग देखा पैराग्राफ टैग अब ये पैराग्राफ टैग में आप कितना भी पैराग्राफ लिख लें आपकी मर्ज़ी है उसके बाद हमने बोल्ड इटैलिक, कुछ इस तरह से टैग देखे उसके बाद हमने बी आर और एच आर भी देखा सही है उसके बाद हमने लिस्ट देखी थी कौन कौन सी ऑर्डर लिस्ट और उसके बाद हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट भी देखी थी ऑर्डर लिस्ट देखी थी मतलब जो कि कुछ इस तरीके से देखती थी सही है इसमें यू एल होता है इसमें सिंपल ओ एल होता है और दोनों के जो आइटम्स हैं वो एल आई के टैग के अंदर होते हैं अब एल आई के टैग में कुछ भी आ सकता है ये भी हमने देखा था एक लिंक भी आ सकता है एक इमेज भी आ सकता है <coughs> इसमें आप फॉर्म्स भी लगा सकते हैं अपने इनपुट बॉक्सेस, आप रेडियो बटन्स चेक बॉक्सेस, अगर आप ये भी लगाएंगे तो वो भी हो जाएगा इसमें हम ए बी सी लिख लेते हैं तो हमारी टेक्स्ट हो गया लिस्ट हो गया लिस्ट के बाद हम लोगों ने गालिबा पढ़ा था लिंक कि हम लिंक्स किसके थ्रू करते हैं उसके लिए हमने पढ़ा था कि ए टैग होता है अब ए टैग में मैं ये कर सकता था कि मैं दूसरी फाइल को इसमें ऐड कर सकता हूँ फॉर्म्स एस टी एम एल उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ये जो साइंटेक्स है इसको हम क्या कहते हैं रिलेटिव पाथ हमने देखा था कि पाथ दो किस्म के होते हैं एक रिलेटिव होता है और एक एब्सोल्यूट होता है और ये रिलेटिव पाथ का पार्ट है उसके बाद जब हमने लिंक्स कंप्लीट कर ली और हम ये जानते हैं कि अब वेब पेज पे इस पर क्लिक करेंगे तो हम किस पर चले जाएंगे फॉर्म्स टू पे जब हमने लिंक्स पढ़ ली तो हमने आई का टैग पढ़ा आई का टैग में हमने एक लोकल इमेज और एक एक्सटर्नल इमेज दोनों लगा के देखा था हमने एक लिंक के थ्रू भी इमेज लगाई और हमने एक सिंपल फाइल को डाउनलोड करके उसका नाम देके भी इमेज लगाई दोनों तरीके से हमने इमेज लगाई थी अच्छा ये जो एल्ट का एट्रीब्यूट होता है ये नॉर्मली इसलिए होता है कि अगर आपकी किसी भी वजह से इमेज ना दिखे तो आप उस इमेज की जगह की आ, के की जगह पर आप क्या दिखाना चाहते हैं या क्या लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं जैसे कि आपने लिख दिया दिस इज़ माई इमेज ताकि अगर किसी को भी किसी वजह से इमेज नहीं दिख रही तो उसको कम से कम ना ये टेक्स्ट लिखा हुआ दिख के आ जाएगा कि भाई यहाँ पे है क्या बेसिकली आपको इमेज नहीं दिख रही है किसी वजह से लेकिन इधर ये चीज़ थी तो इस वजह से कौन सा एट्रीब्यूट होता है ऑल्ट का एट्रीब्यूट होता है उसके बाद हमने गालिबा टेबल पढ़ा था टेबल बहुत आसान था टेबल का एक मेन टैग था उसके बाद क्या होता है टी yeah. होता है टी में क्या होता है टी लेकिन पहला वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं टी एच कहते थे और हमने टी एच को क्या किया था सिंपल कॉपी करके पेस्ट पेस्ट किया था और सर हमने सीरियल नंबर लिख दिया था इसको हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था और उसको हमने प्राइस लिखा था उसके बाद ये पहली रॉ है तो मैंने कहा दूसरी रॉ लगाने के लिए हमें एक और क्या चाहिए टी आर और लेट्स से कि उसमें तीन टी डी अगर मुझे चाहिए तो मैंने ये लिख दिया है तो ये मेरा वन हो गया ये ए बी सी आइटम्स हो गया और ये टेन डॉलर्स प्राइस हो गई सही है तो ये आपका बन गया टेबल तो टेबल के बाद हमने फाइनली क्या पढ़ा फॉर्म्स तो फॉर्म्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए एक अदद फॉर्म का टैग अब इस फॉर्म के टैग में बहुत सारे हमारे पास क्या आएंगे इनपुट के टाइप के टैग टैग्स आएंगे तो एक डिव अगर हम यूज़ कर लें और डिव के अंदर हम लोग एक लेबल लगा लें लेबल पर मैं लिख लेता हूँ ये है आपकी ईमेल मेल ईमेल के पास एक अपना इनपुट होगा इनपुट टाइप लेकिन क्या होगा ईमेल, इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर भी लगा देता हूं और इसमें लिख लेता हूं, ईमेल। उसके अलावा हम इसी को अगर हम कॉपी करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या पासवर्ड और पासवर्ड में हम यहाँ पे ईमेल की जगह अब लिखेंगे टाइप पासवर्ड इसके अलावा इसको मैं एक आईडी दूंगा यूज़र ईमेल की जो कि कहाँ पास करनी है हमें फॉर्म में इसी की तरीके से यहाँ पे भी इसको एक आईडी आएगी इसको हम कहेंगे यूज़र पासवर्ड और हम ये कहाँ कॉपी करेंगे फॉर्म में इसके अलावा हमारे पास एक और डेव अगर हम लगा देते हैं और हम उससे पूछते हैं यहाँ पर एस <coughs> में Select your gender और select your gender में हम एक क्या दे देते हैं एक input type radio जब हम input type radio देंगे तो इसमें हमें क्या लगाना ज़रूरी है नेम लगाना ज़रूरी है बाक़ियों में भी नेम आता है लेकिन इसमें खसूसा हमें याद है कि नेम लगाना लाजमी था इसके अलावा मुझे अब ये जो है आपके पास जेंडर ये किस चीज़ का जेंडर होगा ये लेबल लगा लेते हैं हम लेबल होगा ये मेल का ठीक है और हम इसको अब क्योंकि लेबल आया तो हमें क्या देना लाजमी हो गया आई तो हम लिख लेते हैं जेंडर अंडर स्कोर मेल उसी के साथ ये वाला जो जेंडर है कहाँ कॉपी हो जाएगा इधर इसी के साथ मुझे ये जो पूरा बॉक्स है इसको मुझे दोबारा से कॉपी करना है ठीक है और इसको जगह पे मैं मेल की जगह पे क्या लिख दूंगा फीमेल फीमेल और यहाँ पे भी फीमेल दोनों के नेम क्या रहेंगे सेम रहेंगे इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो मैं एक और डिव बना सकता हूँ और इस डिव के अंदर मैं उसे कह सकता हूँ कि भाई h3 और मैं इसको कह सकता हूँ सेलेक्ट योर सिटी अब सिटी के लिए हमें बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं तो जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हों लेकिन एक ही चीज़ आपको सेलेक्ट करानी है तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर लेते हो सिलेक्ट बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट दोनों इसके नाम हैं और इसके अंदर कौन सा टैग होता था ऑप्शंस का नेम इसमें पर मैं देखता हूँ सिटी अब यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ कराची और वैल्यू मैं इसको दे देता हूँ की यूजर को कौन सा दिखेगा खी या कराची कराची दिखेगा इसके अंदर हम थोड़ी सी और वैरायटी दे देते हैं हम लिख लेते हैं इस्लामाबाद हम लिख लेते हैं लाहौर हम, हम लिख लेते हैं जी मेलबर्न ए थोड़ी वैरायटी देते हैं तो सेलेक्ट सिटी से भी हो गया सही है उसके बाद हम एक और अगर चाहें तो हम डिव बना सकते थे और इस डिव के अंदर अगर हम मैं चाहूँ तो एस थ्री दे सकता हूँ मैं बोलूँ सेलेक्ट योर स्किल्स अब सेलेक्ट योर स्किल्स तो अब स्किल्स एक से ज़्यादा हो सकती हैं मल्टीपल हो सकती हैं तो जहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन होती है तो हम वहाँ पे इनपुट टाइप क्या देते हैं चेक बॉक्स तो अब ये एक चेक बॉक्स नहीं है बल्कि मल्टीपल चेक बॉक्सेस होंगे इसके अलावा मल्टीपल चेक बॉक्सेस होंगे ही होंगे इनके पास से क्या होना चाहिए लेबल जैसे कि पहले आपका है HTML तो यहाँ पे लेबल में एक और क्या आएगी आई डी फॉर एस वैसे मैंने आई गलत जगह पे दे दिए ये आई यह डी यहाँ नहीं आती ये आई डी यहाँ आएगी इनपुट के एक टैग में ठीक है और ये जो आई है इनपुट की वो कहाँ आती है फॉर में अब इसी तरीके से अगर हम इसको सारे सिस्टम को कॉपी करें यहाँ पर तो हम जल्दी से क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम कर सकते हैं सी एस एस यहाँ पर हम कर सकते हैं सी एस एस और यहाँ पे सी एस एस थ्री अब यूजर को क्या दिखेगा सी एस एस या सी एस एस थ्री सी एस एस थ्री तो हमने इसको भी कॉपी किया अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जे एस आप यहाँ पे लिख लेते हैं जे एस और यहाँ पे लिख लेते हैं जे एस एक और हम लोग फाइनल लगा लेते हैं हम कह लेते हैं आई डी है इसकी जी रूबी इसकी भी आई है रूबी ये है रूबी ऑन रेल्स ठीक है तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं अब इनमें आपको याद होगा कि नेम देना लाजमी नहीं है नेम देना लाजमी किस में था रेडियो बटन्स में उसकी वजह भी आपको पता है कि अगर आप नेम उसमें नहीं दोगे तो वो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये जो पाँच मिनट में, में हमने पूरा का पूरा कोड लिख लिया है ये पूरा बेसिकली आपकी एच है जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ी है ठीक है अब इस पेज को ज़रा हम चलाते हैं एक काम कर लेते हैं कि ये जो हमने इमेज लगाई थी ये थोड़ा सा ना अपने साइज से थोड़ा आगे निकल जाएगी तो एक तो यहाँ पे बी लगा लेते हैं दूसरा यहाँ पे आपको पता है कि हम इसको क्या दे सकते हैं व्यर्थ 200 सौ पिक्सल्स और हाइट 200 सौ पिक्सल्स तो हमने हाइट एंड वर्थ थोड़ी दे दी अब इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं तो ये पेज ओपन होगा तो इसको क्लोज़ करके मैं इसको ओपन करता हूँ अपने फायरफॉक्स में तो अभी जो हमने 10 मिनट में मेहनत की है अब उसका हमें नज़र आ रहा है कि किस तरीके से हमें सब कुछ शो हो रहा है ये एच वन हैडिंग बड़ी है उसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ है पैराग्राफ के बाद हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रूल है और एक बी आर है उसके बाद एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है और एक ऑर्डर्ड लिस्ट है उसके बाद हमारे पास एक अच्छा फॉर्म्स एच टी एम एल था इसके पास एक एट्रीब्यूट था टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक अब अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये न्यू टैब खोलेगा तो मेरी पुरानी टैब वैसी ही वैसी रहेगी ठीक है उसके बाद मुझे मेरी तस्वीर भी दिख रही है उसके बाद मुझे मेरा छोटा सा टेबल दिख रहा है उसके बाद मुझे ईमेल पासवर्ड भी दिख रहा है और उसके सामने दोनों इनपुट बॉक्सेस हैं अच्छा दोनों में मैंने लेबल लगाया हुआ है तो अगर मैं पासवर्ड को क्लिक कर रहा हूँ तो भी ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है ई को क्लिक कर रहा हूँ तो भी ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है ये गलती दिख रही है दोनों में प्लेस होल्डर मैंने सेम कर दिया है लेकिन मेन मकसद आपको समझाना था उसके बाद सेलेक्ट योर जेंडर सेलेक्ट योर जेंडर भी अब आप जानते हैं कि अगर मैं मेल पे क्लिक करूँगा तो मेल फीमेल पे क्लिक करूँगा तो फीमेल बहुत ईजी उसके बाद सेलेक्ट योर सिटी एक बड़ा बेहतरीन सा नज़र आ रहा है अब ये सारी जो स्पेसिंग्स वगैरह हैं ये किसके थ्रू सी डिव क्योंकि हमने सारा काम डिव के अंदर किया है तो हम इस पर क्लिक करते हैं मेलबॉर्न पे अच्छा इसका एक और चीज़ होती है शायद हमने वो नहीं की इस्लामाबाद सिलेक्टेड उठा के नहीं रहा चलो इसको हम देख लेंगे बाद में वैसे कराची इस्लामाबाद लाहौर आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद सबसे नीचे नीचे शायद पीछे वालों को सही से ना नजर आ रहा हो लेकिन नीचे नीचे हमारे पास सारी स्किल्स की एक पूरी चेकबॉक्स लिस्ट है अब इस चेक्स बॉक्स लिस्ट में मैं जो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ मुझे रूबी रूबियन रेल्स नहीं आती तो सस्टीमल सी और जी ठीक है तो ये आपका तकरीबन टोटल जो आपकी एसटीमल थी वो यहाँ सम अप है और आपने देखा होगा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है आधे से ज़्यादा काम आपका वी एस कोड लिख के दे देता है बस आपने थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर को याद रखना है और कौन सी चीज़ कैसे बनती है इसको याद रखना है इसके अलावा एक हम लोग एक टैग देखते हैं इसको हम एक और डेफमेट बंद कर देते हैं इसको हम कहते हैं आई फ्रेम क्या कहते हैं आई फ्रेम फर्स्ट करें कि मैं कहता हूं विकीपीडिया कराची तो हमारे पास एक विकिपीडिया पीडिया कराची का पेज आ जाता है आप अगर इसकी लिंक कॉपी करें और इसके एस आर सी में दे दें ठीक है मैंने क्या कि एक आई फ्रेम नाम का एक टैग इस्तेमाल किया इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है एस आर सी एस आर सी और कहाँ होता है इमेज़ में होता है तो मैंने इधर लिंक पास कर लिया एक पूरे के पूरे वेबसाइट का जो कि कराची पर विकीपीडिया का पेज है अब हम अपने इस पर वापस जाते हैं और अगर हम नीचे जाके देखें तो जो हमारे चेकबॉक्सेज हैं उसके ठीक नीचे हमें पूरा का पूरा वो जो विकीपीडिया का कराची का पेज था वो डिस्प्ले हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो आई फ्रेम है ये आई फ्रेम क्या करता है कि जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उनको आपकी वेबसाइट में शो कर देता है अब जैसे कि हमारे पास एक वेबसाइट है मैप डॉट गूगल डॉट कॉम अब हमारे पास है मैप डॉट गूगल डॉट कॉम वैसे तो शेयर और एम्बेड लिंक एमबैड मैप अगर आप एम्बैड मैप करेंगे तो बेसिकली ये आपको किसका टैग देता है आई फ्रेम ये गूगल आपको खुद बना के दे रहा है तो आप सिंपल इसकी कॉपी एच करें और आप इसकी जगह पे जो गूगल ने आपको एस दिया है तो आप देख रहे हैं कि आई फ्रेम है लेकिन इसने गूगल ने अपना ही मैप्स का यू डाला हुआ है और इन्होंने बाय डिफॉल्ट वर्थ कितनी रखी है 600 और हाइट कितनी रखी है 450 उसके बाद एक स्टाइल का उसने एट्रीब्यूट दिया है और उसके अंदर एक बॉर्डर को क्या कर दिया है ज़ीरो <coughs> तो बाकी यहाँ पे कुछ और उसने एट्रीब्यूट्स भी लगाए हैं लेकिन फिलहाल हम पहले देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या हुआ जब हम हम अपनी वेबसाइट पे वापस जाएंगे और उसको थोड़ा स्क्रॉल आउट करते हैं पेज को क्योंकि हमारा पेज बहुत ज्यादा वो हुआ है तो ये है एक मिनट ये आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि आपका ब्राउजर थोड़ा उधर है तो अब आप देख सकते हैं कि बड़ा बेहतरीन किस्म का इस वेबसाइट में वो मैप जो है एक बॉक्स बना के चिपक गया है और मजे की बात है कि ये बिल्कुल एक स्क्रोलेबल मैप है जिस तरीके से एक गूगल मैप होता है ये एग्जैक्टली वही है बात समझ आ रही है तो ये बेसिकली कौन सा टैग ये काम कर रहा है आई, आई फ्रेम ये आई फ्रेम का एक टैग है बहुत ईजी है बहुत आसान है इसके अलावा हमारे पास एक टैग होता है एच टी एम एल वीडियो एच टी एम एल वीडियो का जो टैग होता है वो भी बहुत आसान सा टैग है अभी मैं इसमें क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वीडियो बेसिकली डाउनलोड करनी पड़ेगी तो उससे बेटर है कि हम इसको यहीं पे देख लेते हैं तो टैग का खुद का नाम क्या है वीडियो वीडियो में अगेन वो विर्थ और हाइट दे रहा है और विर्थ और हाइट से बेसिकली ये पता लगता है कि उसका साइज क्या होगा उसके अलावा ये यहां पे अगर हम इसको हटा देते हैं तो जो इंपॉर्टेंट टैग है इस टैग के अंदर वो क्या है कि एक तो वीडियो टैग खुद उसके अंदर इसने विर्थ हाइट आप ना भी दें तो भी एक्सेप्ट कर लेता है इसके अलावा ये कंट्रोल जो लिखा हुआ है इसको भी थोड़ी देर में हम देखते हैं क्या चीज़ है बस हमें नज़र आ रहा है कि एक वीडियो का टैग है उसके अंदर क्या टैग है सोर्स और सोर्स के अंदर हमने क्या दिया हुआ है एस आर सी एस आर सी के अंदर बेसिकली हमने बताया हुआ है कि ये वीडियो कहाँ पड़ी है तो क्योंकि W3 स्कूल वालों ने अपने सर्वर पे ही बनाया हुआ है तो उनको पता है कि हमारे सर्वर पे ये वीडियो पड़ी हुई है उन्होंने डायरेक्टली इसका क्या दे दिया है यू आर एल और इसका यू जब दे दिया यानी कि प्लेसमेंट दे दी मूवी डॉट एट एम पी फोर तो यहाँ पर उनकी वीडियो सिलेक्ट हो गई अब ये जो पूरा ये बार है जिसके अंदर सारे आपको कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं ये एच टी एम एल की तरफ से ही है आपने कुछ नहीं करना आपने सिंपल फ़र्ज़ करो यहाँ पर आके आपने क्लिक किया तो आपकी वीडियो वगैरह चलेगी ये साउंड और ये सारा एच टी एम एल है और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है सिर्फ आपने क्या यूज़ किया है वीडियो का टैग बहुत सिंपल सही है इवन ये जो टाइप है इसमें आप बता रहे हो कि वीडियो की कौन सी टाइप है एम अगर हम इसको फिर भी मिटा दें और फिर रन करें तो भी हमारी वीडियो रन होती है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपकी वीडियो कौन सी है क्योंकि यहाँ पे आपने एक्सटेंशन तो लिखी हुई है डॉट एम तो पी फोर उसको पता लग गया है कि ये टाइप कौन सी है एम पी फोर है इसके अलावा ये कंट्रोल्स का लफ्ज़ लिखा था अगर इस कंट्रोल्स के लफ्ज़ को हम मिटा देते हैं और करते हैं तो वो आपका जो कंट्रोल वाला पोर्शन था वो खत्म हो चुका है अब मजे की बात है कि फिर ये वीडियो चलेगी कैसे तो आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये होता है ऑटो प्ले। तो, तो अब ये ऑटो प्ले हुआ तो हमारे पास ऑटो प्ले में हमारी वीडियो स्टार्ट हो गई तो ये कहां यूज होता है आपने देखा है कि कुछ वेबसाइट्स में एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं? सही है वो ऊपर नीचे साइड में कहीं कही ना कहीं कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है और वो एनिमेशन होती हैं वो चलती रहती हैं आपको अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाती रहती हैं अब उस वीडियो को तो आपने नहीं चलाया था सही है लेकिन वो वीडियो चलती रहती है चलती रहती है तो उस वजह से आप समझ ले कि वो इस तरह का काम किया हुआ होता है कुछ वेबसाइट्स में एक पूरी एनिमेशन बैकग्राउंड में होती है मतलब जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो मेन जो स्क्रीन होती है उसकी उस स्क्रीन के पीछे आपको नजर आ रहा होता है थोड़ा सा ब्लर का कोई ना कोई वीडियो या एनिमेशन चल रही होती है तो वो बेसिकली इसके थ्रू किया जाता है कि उसके कंट्रोल्स उड़ाकर और वो पूरी की पूरी वीडियो वीडियो टैग के अंदर लगा के आपको दे दी जाती है इसके अलावा अगेन अगर आप पुराना वाला काम वापस ले आए हैं तो आप यहाँ पर सिंपल क्या लिख दें कंट्रोल्स आप कंट्रोल्स लगा के एंटर दबाएंगे तो आपके कंट्रोल्स वापस हो जाएंगे इससे पता लग रहा है कि ये सारे जो कंट्रोल्स हैं ये कौन बना के दे रहा है एच टी एम एल हम अपनी साउंड भी ऑन कर देते हैं ऐसा ना हो गया आपकी रिकॉर्डिंग में ना आए सही तो अब अगर हम थोड़ा सा बैग जाएँ तो अगर आप इस पर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको ये बताएगा कि ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट होता है जो उसको ऑटो प्ले कर देता है उसके अलावा म्यूटेड है आई थिंक ये मुझे यूज़ करना चाहिए था तो म्यूटेड में सब समझ गए होंगे कि वो क्या करेगा एक तो वो ऑटो प्ले चलाएगा यानी कि वीडियो को ऑटोमेटिकली चला देगा और कंट्रोल नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल नहीं लिखा हुआ है लेकिन वो वीडियो को म्यूटेड चलाएगा यानी कि उसकी साउंड बंद रहेगी अब क्योंकि इसका कंट्रोल नहीं है तो उसकी कोई साउंड ओपन भी नहीं कर सकता तो ये कुछ इसके एट्रीब्यूट्स है जो उन्होंने यूज किए हैं। तो हमने क्या पढ़ा एक वीडियो और आई फ्रेम एक और होता है एस टी एम एल पिक्चर टैग आ, ये भी इंटरेस्टिंग है अच्छा ये जो टैग है नॉर्मली ये वाला टैग जो है आ, इसकी जगह पे एक और सी की प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल होती है लेकिन आपको फिर भी हम दिखा देते हैं कि ये क्या चीज है और क्या कर रही है वैसे तो आप इमेज लगाते हैं किस टैग से आई एम जी अब ये एक पिक्चर का टैग है जिससे पढ़ के ही लग रहा है कि ये किस चीज़ के लिए होगा इमेज के लिए होगा अब पिक्चर टैग की खास बात यह है कि इसके अंदर एट्रीब्यूट में आप कुछ नहीं बताते कि कौन सी इमेज है उसके बदले आप एक और टैग यूज़ करते हैं क्या सोर्स अब सोर्स के टैग में आपके पास दो एट्रीब्यूट हैं एक मीडिया का और एक एस आर सी सेट का ये सिर्फ एस आर सी नहीं है बल्कि क्या है एस आर सी सेट अब एस आर सी सेट में भी वही आपने काम किया हुआ है जो आप एस आर सी में करते हैं उसमें भी इमेज का पाथ देते हैं इसमें भी क्या दिया हुआ है इमेज का पाथ कि इमेज कहाँ पड़ी है इसने बोला है कि भाई इमेज पिंक फ्लावर्स डॉट जयपिक लेकिन मजे की बात है कि इसने दो अलग अलग इमेजेस लगाई हुई है एक पिंक फ्लावर्स है दूसरी वाइट फ्लावर है तो इसने एक ही टैग में दो दो इमेजेस लगाई हैं तो अब इसका क्या मतलब है अगर इसका आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो मिनिमम विर्थ इसकी क्या है 650 इसकी मिनिमम विर्थ क्या है चार और ये डिफॉल्ट है यानी कि अगर इन दोनों में से कोई भी ना लगे तो ये लगा दो अब जरा देखते हैं कि इसका मतलब क्या है 650 फिफ्टी पिक्सल्स फोर पिक्सल्स ये जो तो चार या 650 पिक्सल्स लिखे हुए हैं ये बेसिकली स्क्रीन का साइज है तो अगर हम लोग इस स्क्रीन के साइज को <laughs> बिल्कुल छोटा रखते हैं यानी कि अभी अगर आप रिजल्ट साइज देखें क्या है 178 सेवेंटी एट बाय 390 ये जो 178 है ये वर्थ है और ये क्या है हाइट है तो हाइट इस वक्त क्या है 178 इसका मतलब है ये इसके रीजन में भी नहीं आ रही और इसके रीजन भी नहीं आ रही तो उसने कौन से लगा दिए हैं ऑरेंज फ्लावर्स जो कि यहाँ पे लग रहे हैं अब हम इसको ज़रा थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं इंक्रीज कर कहाँ तक इंक्रीज़ करना चाहिए चार तक जब हम इसको डायरेक्टली चार सौ ले आते हैं ये चार

अब आप पूछ सकते हैं कि भाई ये ज़रूरी क्यों है ऐसा हमने किया ही क्यों हमें क्या ज़रूरत पड़ी तो अगर आप इस चीज़ को नोट करेंगे तो ये सबसे बड़ी वाली जो 650 पे आई ये इमेज सबसे बड़ी है अगर आप इसको छ चार सौ ले जाएं ये मीडियम साइज़ है थोड़ी छोटी है इसके अलावा अगर आप बिल्कुल छोटे पे आए तो ये बिल्कुल छोटी है तो बेसिकली वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि इसने डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के मुताबिक स्क्रीन साइज क्या है बेसिकली आपकी डिवाइस एक आपकी मोबाइल है एक टैबलेट है और एक कंप्यूटर है तो ये तीन बेसिक आपके स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं कि एक स्क्रीन आपके मोबाइल पे दिखती है एक आपके टैबलेट पे दिखती है और एक आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखती है कंप्यूटर स्क्रीन की नॉर्मली लार्ज स्क्रीन साइज मानी जाती है और जो टैबलेट है वो मीडियम है और जो मोबाइल है वो स्मॉल है तो साइजेस के मुताबिक उसने तस्वीरें बताई हुई हैं कि भाई जाहिर सी बात है मोबाइल की स्क्रीन छोटी है तो उसमें क्या छोटी तस्वीर दिखनी चाहिए अगर उसमें से एक बहुत बड़ी तस्वीर होगी तो वो मोबाइल की स्क्रीन पे तो दिखेगी ही नहीं फिर उसको यूं यूं यु स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा लेकिन आप जो भी मोबाइल पे फोटो देखते हैं वो बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन के बीच में आ रही होती है ऐसा ही होता है तो ये बेसिकली उसके लिए बताया गया ठीक है तो इस टैग के साथ यानी कि आई फ्रेम पिक्चर वीडियो इन बेसिकली टैग्स के साथ आपकी जो एच है वो मुकम्मल होती है और एस के जो आपके पास असाइनमेंट गिवन है अगर आप उन असाइनमेंट्स को देखेंगे तो वो असाइनमेंट काफ़ी हैं आपके लिए ये आपको पता करने के लिए कि भाई ये आप सही से इसका काम कर लें और उसके अलावा एक और आपने एक पेज तो बनाया है जिसके अंदर आपने एस के डिफरेंट टैग्स यूज़ किए थे राइट तो आई थिंक काफ़ी हैं एक आपने टेबल बना लिया है एक आपके पास फॉर्म्स का असाइनमेंट है और आपके पास एक एस का पेज है इस पर मैं ज़्यादा एस पे मेहनत नहीं करवाना चाह रहा उसकी वजह यह है कि कोई ख़ास चीज़ नहीं है मतलब देख के मज़ा नहीं आता एक ख़ास बस एक एसटीम एल का टेक्सट है इमेज है लिंक है मतलब कोई ख़ास खूबसूरत चीज़ नहीं है जिस पर मैं बोलूँगा इस पर मेहनत लगी हो आपकी बहुत हलवा असाइनमेंट है बिल्कुल बेकार तो लेकिन एक ज़रूरी है क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मज़ा थोड़ा तब आता है जब आप सी एस एस पढ़ना शुरू करते हो तब तब तो फिर हर किसी की एकदम अप्रोच भी डिफरेंट आ रही होगी कोई कोई प्रॉपर्टी लगा रहा होगा कोई कोई प्रॉपर्टी लगा रहा होगा क्योंकि सी एस एस में एक काम करने का एक तरीका है ही नहीं अगर आप मुझे भी बुला के बोलेंगे सर ये कैसे होगा मैं बोलूँगा मैं ट्राई करके देखता हूँ मैं अलग अलग प्रॉपर्टी लगा के अलग अलग साइजेस बिठा के मैं उसको सही कर दूंगा अब हो सकता है कि आप बोलोगे नहीं जो इन्होंने किया है हम भी उसको कॉपी करेंगे तो ऐसा नहीं होता आपका हो सकता है सिनारी अलग हो जाए आपका अलग एक ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए अब आपको टेक्निक्स अलग आनी चाहिए तो उसके लिए मेरा क्या तरीक़ेकार होता है कि पहले मैं जो भी सी की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको आनी चाहिए उनको मैं एक एक करके आपको सब पढ़ाऊंगा और उसको यूज़ भी करके दिखाऊंगा कि देखो इससे ये होता है जब हम लोग वो कंप्लीट कर लेंगे तब हम आपको बताएंगे कि अब इसमें से थोड़ा काम कैसे होता है हाँ साइड में जैसे जैसे हम चल रहे होंगे थोड़ी बहुत चीज़ें भी बनाएंगे जितना मुझे लगेगा कि अब इस चीज से ये बन सकता है जैसे कि एक नेविगेशन बार बन सकता है तो हम बना लेंगे एक फ्रंट पेज बन सकता है तो हम फ्रंट पेज बना लेंगे एक बॉक्स बन सकता है बॉक्स बना लेंगे तो उससे स्टेप बाय स्टेप काम होता है हम्म दूसरी वेबसाइट के देखे दो देखे दो देखे दो देखे हाँ, हाँ हाँ वो वो सारा जो होता है वो आपके पास आई फ्रेम्स लगे हुए होते हैं वो दूसरा लिंक होता है बेसिकली वो आपके पास नॉर्मली जो आप देख रहे हैं वो एडसेंस होता है तो एडसेंस का एक जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो आप उसके अंदर इंजेक्ट कर लेते हो तो कुछ में आई फ्रेम ही होता है नॉर्मली जो मैंने देखा है कुछ में वो खुद उनका भी एक एस्टिमल का टैग होता है जो वो लगा हुआ होता है उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू फिल किया जाता है लेकिन क्योंकि एडसेंस जो है वो सारी वेबसाइट्स के लिए होता है आप किसी भी वेबसाइट में एडसेंस लगाएंगे वो एड्स आना शुरू हो जाते हैं तो एडसेंस नॉर्मली क्या करता है कि वो यूज़ कर लेता है आपका आई फ्रेम उसने आई फ्रेम में एडवर्टाइजमेंट कॉपी जिसकी एडवर्टाइजमेंट है उसने उसको बताया हुआ होता है भाई ये दिखाना है अब वो वीडियो हो सकती है एक फ़ोटो हो सकती है तो वो उसका लिंक आई फ्रेम में पेस्ट करके लगा देता है सिंपल तो आपका बेसिकली उसका जो कोड है वो नज़र आ रहा होता है तो इवन वहाँ पे आप थोड़ा आप जब जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू पूरी की पूरी एस भी लिखी जा सकती है तो कुछ वो लोग जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू भी वो सारा बनाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज़ होती हैं डिपेंड करता है कि वहाँ पर वो क्या चीज़ लगी हुई है तो अब हम एक काम करते हैं हमने एस्टीमल एस्टिमल बहुत पढ़ ली अब हम आते हैं किस टॉपिक पे? सी एस एस तो सी एस एस बेसिकली ये पाकिस्तान वाली सिविल सिविल सुपीरियर सर्विस तो है नहीं लेकिन जब मैं भी नया नया पढ़ रहा था तो मैंने देखा था भाई सी एस एस पता नहीं कोई मिलता जुलता काम होगा शायद पढ़ाते होंगे तो लेकिन ये वो चीज़ नहीं है ये ख़ुद एक लैंग्वेज है इसको लैंग्वेज कहें या एक स्टाइलिंग का मेथड कहें आपकी मर्ज़ी है वैसे एक दो चीज़ें होती हैं एक स्क्रिप्ट होती है और एक लैंग्वेज होती है स्क्रिप्ट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा फ़र्क है तो एच वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जो जावा स्क्रिप्ट है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें से अभी आप बहुत सारे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे बंदा पता नहीं क्या बोल रहा है लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपको ये बात समझ आ जाएगी कि इन दोनों में फ़र्क क्या है जब आप लोग जावा पढ़ लेंगे तो पहले तो सी पे आते हैं तो जब ये कोर्स स्टार्ट हुआ था तो हमने एक बात कही थी कि ऐसा सोचें कि एक ह्यूमन बॉडी है तो उसका स्केलेटन क्या हमने कहा था क्या होता है एच टी एम एल होता है यानी कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर और वो चीज़ आपने देखी कि एक वेबसाइट में बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो किससे बन रही थी एच टी एम एल से ही बन रही थी यानी कि टेक्स्ट इमेज लिंक टेबल वीडियो तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो टेंजिबल चीज़ें हैं वो किसके थ्रू आई एच टी एम एल अब उसके बाद जो उसकी ब्यूटिफिकेशन है जो उसकी खूबसूरती है और जो उसकी प्लेसमेंट्स हैं अब वो किसके थ्रू हम ले आएंगे सी के थ्रू अब सी का जो फुल फॉर्म है वो बेसिकली होता है कैसकेडिंग स्टाइलिंग शीट्स से सी से कैसैड है एस से स्टाइल है एस से शीट्स है तो कैसकेडिंग अगर आप लव्स को थोड़ी देर साइड में करें तो दूसरे बाकी जो लव्स क्या कह रहे हैं स्टाइलिंग शीट्स यानी कुछ ऐसी शीट्स हैं जो किसके लिए इस्तेमाल हो रही हैं स्टाइलिंग के लिए तो सबसे पहले हम जरा देखते हैं कि सी लगती कैसे लगाई कैसे जाती है अब जैसे कि ये हमारे पास एक पूरा पेज है ठीक है जिसमें हमने अभी अभी सारा काम किया है लेकिन हम एक नया पेज बना लेते हैं यहाँ पर उसको रख लेते हैं एंट्रो बल्कि इधर ज़्यादा बेटर होगा एस टी एम एल टेक्स्ट इसको बाहर निकालते हैं, इस फाइल्स को हम डिलीट करते हैं यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं एस का और ये जितना भी कोड है हम इसको ले जाते हैं इसके तो अब आपके पास एक एच का पूरा फोल्डर बन गया है ये फ़ोल्डर मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा ताकि आपके रेफरेंस पे रहे हम हम यहाँ पे एक और अब फोल्डर बनाते हैं उसका नाम क्या देते हैं सी एस एस सी एस एस सी एस एस की ख़ास बात क्या है कि ये एच के बग़ैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सी एस एस टी है वो स्केलेटन है तो अब स्केलेटन नहीं होगा तो उसके ऊपर आप स्किन क्या चढ़ाओगे तो पहली चीज़ क्या है एच तो हम पहले एक और एक HTML फाइल बनाते हैं हम इसको कहते हैं इंट्रो सी एस एस डॉट एच तो ये एग्जैक्टली exactly एक HTML की फ़ाइल है और इसके अंदर हम लिखेंगे भी एच ही ठीक है तो जिस तरीके से डॉट एच थी इसी तरीके से सी के लिए क्या होगी डॉट सी अब इसका नाम मैं बिल्कुल वही दूंगा जो मैंने एस का नाम दिया हुआ है एस का मैंने नाम दिया इंट्रो सी तो इसको भी मैं क्या नाम दे रहा हूं इंट्रो सी लेकिन डॉट क्या लगेगा सी जब मैंने इस पर डॉट सी लगाया तो ये एक और फाइल बना ली ये किसी पागल बंदे ने इधर आइकन्स लगा दिए लेकिन ये आपके पास जो वी कोड है उसके अंदर ये वाला आइकन नहीं आएगा आपके पास एक हैश आएगा मेरे ख्याल से हैश होता है नॉर्मल ये किसी ने कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल किया आइकन की उस वजह से आइकन आपके चेंज आ रहा है तो अब सी एस एस पे अगर हम आए तो अब यहां पे अगर आप एस टी एम एल लिखोगे तो वो एस्टीमल फाइव वाला आपको चीज नहीं बताएगा जैसे आपको एस टी एम एल में बताता था क्यों क्योंकि अब वी एस को पता लग गया है कि ये क्या एसटीमल नहीं है ये क्या चीज है सी एस एस है तो सी एस एस को लिखने से पहले जो पहला काम होता है वो होता है इसको HTML के साथ लगाना उसकी वजह क्या है कि अब ये आपकी HTML की फाइल है हम बाकी सारी फाइल्स को बंद कर देते हैं तो ये HTML की फाइल है और ये CSS की फाइल है अब इस HTML की फाइल को कैसे पता लगेगा कि ये इसकी CSS है कोई ना कोई आपस में कनेक्शन होना चाहिए ना HTML को बताना चाहिए कि भाई तुम्हारी सीएसएस किधर है तो हम क्या करते हैं आपको याद होगा कि हमने ज्यादातर काम बॉडी में किया था तो हेड के टैग में अब थोड़ा सा काम वापस आएगा तो हेड में नॉर्मली क्या लिखा होता है टाइटल तो हम टाइटल के नीचे अब एक और टैग यूज करेंगे और उस टैग का नाम क्या है लिंक जब आप एचटीएमएल पे आकर लिंक का टैग बनाएंगे तो वो एक दो टैग्स आपके पास एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ देता है पहला एट्रीब्यूट क्या है आर ई एल और दूसरा एट्रीब्यूट क्या है एच रेफ तो पहला जो एट्रीब्यूट है आर ई एल इसका बेसिकली फुल फॉर्म है रिलेशन आप क्या कर रहे हो लिंक कर रहे हो किस को कर रहे हो स्टाइल शीट को तो ये टैग बेसिकली आपको इसका एट्रीब्यूट बता रहा है कि ये किस तरह का रिलेशनशिप है ये एक लिंक है जिसमें क्या अटैच होगी स्टाइल शीट तो टैग ने बोला ठीक है स्टाइल शीट अटैच होगी लेकिन कहाँ से अटैच करूं एच रेफ तो ओर में हम उसको बताएंगे कि हमारी सी फाइल कहां पड़ी है? ये क्या है रिलेटिव बात. बात. अच्छा एक मिनट एक मिनट अब्दुल्ला कौन है भाई अब्दुल्ला छुट्टी पर है बचत हो गई इसकी तो माजिद कौन है मुझे ज़रा बताएं इसका क्या मतलब है वो तो आपने सबसे सुन के बताया ना तो मुझे बताएंगे इस, इसका क्या मतलब है ये रिलेटिव पाथ है लेकिन ये इसका मतलब क्या है सामने कहाँ पे? वहाँ पे किधर नहीं सही जवाब दें इसका डॉट और फॉरवर्ड स्लैश किसको रिप्रेजेंट करता है मतलब क्या चीज़ बताता है कि ये क्या चीज़ है कहाँ हूँ मैं सामने तो नहीं तो सामने तो HTML का टैग भी पड़ा हुआ है HTML का फोल्डर पड़ा हुआ है सी का फोल्डर पड़ा हुआ है तो इसका क्या मतलब है रिलेटिव बात इसकी टेक्निक का नाम है इसका मतलब ये नहीं है जैसे कि इस लिंक का नाम है ये HTML टी लगाने का यह तरीके का है तो आप इसको बोलते थे लिंक इस स्टाइल शीट का लिंक है लेकिन इसमें ये एच में क्या दे रहा हूँ ये डॉट और फॉरवर्ड स्लैश क्या है अगर ये रिलेटिव पाथ है फिर तो आप इसको भी रिलेटिव पाथ बोल दोगे दोनों तो में क्या फ़र्क होगा ये दोनों सेम चीज़ है एक्स्ट्रा पीछे है तो फिर ये क्या है हम्म सही है और इस डॉट और फॉरवर्ड कब लगा दें नहीं आप टिपिकल जवाब नहीं दे पा रहे बैठ जाएं तो आपकी पोजीशन में ज्यादा कोई फर्क आएगा नहीं दानिश भाई कौन है तो दानिश साहब बताइए कि इसका क्या मतलब है जिस जिस फाइल में फाइल में तो हम कुछ रख ही नहीं सकते हम फाइल में कुछ लिख सकते हैं जिसमें जिसमें क्या जिस फोल्डर में आप में थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है थोड़ी प्रैक्टिस करो अभी भी सही है तो ज़रा आप बताओ ये क्या चीज़ है परफेक्ट बेटा तो, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जिस फोल्डर में ये फाइल पड़ी है कौन सी इंट्रो सी एस एस डॉट एच टी एम एल जिस फोल्डर में ये फाइल पड़ी है इसका मतलब है कि आप उस फोल्डर में रेफर कर रहे हैं आप उसको बता रहे हैं कि उस फोल्डर में से मुझे कोई ना कोई चीज़ चाहिए जिस फोल्डर में ये वाली फ़ाइल है ठीक है तो ये इसका टिपिकल आंसर है और ये रिलेटिव पाथ टेक्निक का नाम है तो इस फोल्डर में क्या क्या पड़ा है इंट्रो सी और इंट्रो एच तो हमें इसके साथ क्या अटैच करनी है इंट्रो सी एस एस डॉट सी एस एस अब ये मत सोच लीजिएगा कि इसमें दो सी एस एस दो सी एस एस आते हैं ये सी एस एस इसके नाम का हिस्सा है ये डॉट सी एस एस इसकी एक्सटेंशन है जो बता रहा है कि ये क्या चीज़ है तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये काम हुआ या नहीं हुआ अलग ही कनेक्शन बन गया नहीं बना तो उसके लिए हम एक चीज़ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं हम बोलते हैं बॉडी और हम यहाँ बोलते हैं बैकग्राउंड कलर और हम बोल देते हैं एक्वा तो अभी इसको थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन भी करते हैं टेंशन बिल्कुल नहीं रहे अब यहाँ पे हम इसको इंट्रो एच को दोबारा से लाइव सर्वर से चला देंगे क्योंकि मेन फाइल कौन सी होती है एच अब हमें एक चीज़ नजर आ रही है कि हमारा पेज जैसे पहले खुलता था वैसे ही खुला सही एच वन का टैग जैसे लिखा होता था वैसा ही लिखा है लेकिन जो अब इसका पूरे का बैकग्राउंड है वो क्या हो गया है कलर wow. चेंज हो गया है ठीक है तो ये कलर चेंज सी एस एस की एक छोटी सी कमांड से हुआ और वो कमांड कौन सी है बैकग्राउंड कलर बहुत सिंपल और ये मैंने किस पे लगाया है बॉडी पे लगाया है तो बॉडी का मैंने बैकग्राउंड कलर उसको चेंज करने को कहा तो पीछे वो वाकई वही कलर हो गया जो मैंने इसको आकवा बोला था तो इसका मतलब क्या हो गया है कि ये वाली जो सी की अब फाइल है किसके साथ कनेक्ट हो चुकी है हमारे एच के साथ एक चीज़ याद रखिएगा जो आपकी मेन फाइल होती है वो कौन सी है एच यानी जो आप चलाओगे वो एच ही है ये वाली सी की फाइल सिर्फ उसके साथ कनेक्टेड है यानी कि ये उसके साथ जो इसका जो भी चीज़ इधर आप लिखेंगे उधर उसका असर होगा लेकिन मेन फाइल आपकी एच है इसकी ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपने फोल्डर में जाएंगे जैसे हमें सी एस पे गया तो अगर आप इस फाइल को देखेंगे तो यहां पे की बनी हुई है सॉरी गेयर बना हुआ है लेकिन अगर आप एस की फाइल को देखेंगे तो यहां पे क्या बना हुआ है क्रोम यानी कि ये या आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ये ब्राउजर की फाइल है और ये कोई सपोर्टिंग फाइल है बच्चे पागल हो गए हैं क्या हो गया तो ये हमारा एच का पेज साइड में खुला हुआ है हमारे साइड में सी की फाइल खुली हुई है अब जरा हम इसके थोड़ी सी स्टार्ट करते हैं जब भी मैंने आपको कहा था कि कोई हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जाते हैं पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसकी क्या चीज़ देखते हैं साइन टैक्स यानी कि उसको लिखा कैसे जाता है उसका तरीक़ेकार क्या है तो हम सबसे पहले किस चीज़ पर गौर करते हैं साइन टैक्स पे तो सी का जो एक साइंटेक्स है बेसिक साइंटक्स वो कुछ इस तरीके से है कि पहले आता है क्या एक सेलेक्टर उसके बाद ये किस तरह का ब्रैकेट है करली ब्रैकेट अगर किसी को यही नहीं पता ना तो वो मैट्रिक क्लास दोबारा करके आए करली ब्रैकेट उसके अंदर है एक चीज है उसको हम क्या कहेंगे फिर क्या चीज़ है ये क्या है सेमी कॉलन ये क्या है कॉलन ये कॉलन है और ये क्या है सेमी कॉलन है तो ये जो आपके सामने एक चीज़ लिखी हुई है ये पूरी की पूरी सी एस एस का साइंटेक्स है सही है या तो उसको आप अपने पास लिख लें या आप अपने इसको दिमाग में रख लें याद कर लें तो आपको सी एस एस चलाने के लिए सिर्फ तीन चीज़ों का पता होना लाजमी है पहला क्या है सिलेक्टर दूसरी क्या है प्रॉपर्टी फिर क्या है वैल्यू जब आप सिलेक्टर लिखोगे तो स्पेस बार देके क्या बनाओगे करली ब्रेसेस जब आप करली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखोगे आप प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी लिखने के बाद आप क्या लगाओगे कॉलन कॉलन के बाद उसको क्या दोगे वैल्यू जब आप वैल्यू लिखना खत्म कर दोगे तो क्या लिख दोगे सेमी कॉलन बात समझ आ रही है ये पूरी की पूरी सी का क्या है साइंटेक्स एच में तो ये था ना कि ओ एल फिर यूएल के अंदर एल आई फिर उसके बाद टेबल टेबल के अंदर टी आर टी डी तो उसके अंदर साइंटेक्स बदल रहा था थोड़ा थोड़ा कोई हमने कहा कि एक क्लोजिंग टैग्स होने चाहिए सबसे पहले बोला एक बॉडी है तो बॉडी का क्लोजिंग टैग होगा एच वन है तो एच वन का क्लोजिंग टैग होगा फिर अचानक से एक नई चीज़ आ गई सेल्फ क्लोजिंग टैग जिसमें से क्लोजिंग थी ही नहीं तो एच टी एम एल में थोड़ी निराली चीज़ें हैं लेकिन सी एस एस की मजे की बात यह है कि इसकी जो नाइन्टी परसेंट सी एस एस है नाइन्टी परसेंट मतलब जो आप तकरीबन आखिरी हफ्ते तक जो सी एस एस पढ़ते रहोगे उसके अंदर सेम ये वाला साइंटैक्स यूज़ होता रहता है और इसमें कोई नई चीज़ नहीं आती सेम ये बस आपको तीन चीज़ें याद रखनी है और इन तीन चीज़ों से ही सारी की सारी सी चलेगी आपकी ठीक है अब ज़रा जैसा मैंने कहा कि हमें साइंटेक्स समझ आ गया अब इस साइंटेक्स को आपको लिखने के लिए आपको इन तीन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो पहली पहली चीज़ नज़र आ रही है वो क्या है सेलेक्ट इस गरीब की भी सुन लेते हैं ये भी क्या कह रहा है <laughs> अगर आप इसके पहले पेज पर पे देख रहे हैं तो ये इसने दोबारा से क्या बताया है सिलेक्टर ये उसकी क्या है प्रॉपर्टी ये उसकी क्या है वैल्यू तो यही तीन चीजें बेसिकली वो आपको बता रहा है लेकिन अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं ये सारी टेक्स्ट तो यू आर मोर देन वेलकम बिल्कुल पढ़ें लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है यहाँ पे एक चीज़ ये काम की है जो मुझे ये तस्वीर अच्छी लगती है जो आई थिंक आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प आउट करता है तो ये यह यहाँ पे आपको जो बेसिकली बताना चाह रहा है इसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल ये जो बॉक्स मॉडल है ये आपका जावास्क्रिप्ट में फिर आएगा और वहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में आएगा लेकिन सी में आपको एक चीज समझने की जरूरत है जो अभी तक आपके दिमाग में आ चुकी है कि जो भी एच में आप करते हो उसका कोई ना कोई एक बॉक्स होता है जिस तरीके से हमने बोला था एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं तो उनका बॉक्स आखिरी रॉ मतलब रॉ के एंड तक होता है जो आपकी पूरी रॉ होती है उसके एंड तक होता है इसी वजह से हम उसको क्या कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमने देखा था कि एक इनलाइन एलिमेंट थे उन इनलाइन एलिमेंट का बॉक्स था लेकिन उनका बॉक्स शुरू कहाँ से होता था जहाँ से उसके अंदर जो भी चीज़ रखी हुई है वो शुरू हो रही है और वो खत्म कहाँ होता था जहाँ पे वो चीज रखी हुई है वहां पे खत्म हो रही है तो एच जो है वो बेसिकली बॉक्सेस पे चलता है इसमें डब्बे ही डब्बे हैं अब वो डब्बों की किस्में हैं अब जैसे डेव एक तरह का कंटेनर टैग ही है लेकिन वो एक ब्लॉक लेवल टैग है स्पैन एक तरह का ब्लॉक आपका इनलाइन टैग है लेकिन वो भी एक कंटेनर टैग है तो हर चीज का एक बॉक्स है और उस बॉक्स में वो चीज रखी जाती है अब एक और चीज़ अगर आप इसको देखना चाहें तो किसी भी आप वेबसाइट पे जाएं और आप राइट क्लिक करके ये वैसे ये अच्छी एग्जाम्पल नहीं है हम गूगल पे जाते हैं गूगल पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे जाएंगे यह yeah. सारे ब्राउजर्स में आपको ये दिखता है आप इंस्पेक्ट पे जाके इसको अगर आप ऊपर ले आएंगे तो आप किसी भी एलिमेंट जैसे अब ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है आपको ये गूगल का कोई बिग बॉक्स बना हुआ है तो इस पर मैं जब इन डिफरेंट डिफरेंट डिव पे टैग पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप वो आपको बेसिकली वो लाइन बाउंड्री बना के दिखा रहा है कि इसका डब्बा कहाँ तक है आप इस ऊपर वाले डिव पे जाए वो आपको दिखा रहा है ये पूरा डब्बा है अब इस बड़े वाले डिव के अंदर छोटे वाले डिव है तो वो बता रहा है वो इसका हिस्सा ये है फिर जब उसके नीचे वाला बॉक्स है तो वो वो दूसरा वाला बॉक्स है तो एक बड़ा बॉक्स है उसके अंदर दो बॉक्सेस हैं लेकिन पहला वाला बॉक्स थोड़ा छोटा है दूसरा वाला बॉक्स थोड़ा बड़ा है तो समझ ही आ रहा है कि आपके पास जो HTML टी एम एल है उसमें हर चीज क्या है बॉक्सेस तो ये जो बॉक्सेस हैं आपको CSS में सबसे पहले इनको पहचानना होता है फिर बात कौन कर रहा है अच्छा तो हम क्या बात कर रहे थे बॉक्सेस तो सी में क्या होता है कि ये जो सारे डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस हैं आपको इन बॉक्सेस का एड्रेस ढूंढना होता है अब एड्रेस का क्या मतलब है कि अब एक पेज के अंदर बहुत सारे बॉक्सेस हो सकते हैं एच का पेज जितना आपका लेंदी होता जाएगा बड़ा होता जाएगा उसमें बॉक्सेज की तादाद भी बढ़ती जाएगी इसका कुछ ऐसे सोचेंगे जितने आपके टैग्स हैं वो खुद एक बेसिकली क्या है बॉक्स है तो इतने आप देख रहे हैं कि अभी हमने छोटा सा दस मिनट में कोड लिखा जिसमें हमने सारी एसटीमल के कोड हमने वो टैग्स बना दिए थे तो उसके अंदर ही कितने सारे हमने टैग्स इस्तेमाल कर लिए थोड़ी देर में तो मतलब वो जितने हमने टैक्स इस्तेमाल किए वो सारे थे बॉक्सेस अब इन बॉक्सेस में से जिस एक बॉक्स पे मुझे कोई काम करना है मैंने उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देना है मैंने उसकी टेक्स्ट को रेड कर देना है तो मैं अब एसटीमल को कैसे बताऊंगा कि तुम्हारा जो ये वाला बॉक्स है मुझे इसका कलर ब्लू करना है या वो वाला जो बॉक्स है मुझे उसका कलर ब्लू करना है तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये उसको बताना है कि यार ये वाला बॉक्स इस पर काम करना है इस चीज को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं सिलेक्टर क्या कहते हैं सिलेक्टर जो ये पहली चीज है सिलेक्टर उर्दू में भी अगर आप इसके मायने देखेंगे तो ये किसी को इसको ये इसके मायने कुछ ऐसे ही हैं कि किसी एक चीज को चुनना तो आप बेसिकली इतना बड़ा पेज है उसमें से कुछ एक मखसूस जगह है जिसपे आप कोई काम करना चाहते हैं तो हमें उसका क्या फाइंड आउट करना है आपको सिलेक्टर फाइंड आउट करना है अब इधर मैं लिखता हूं सिलेक्टर अच्छा ये जो चीज़ हो गई है ये आपको कलर क्या दिख रहा है ग्रीन तो इसको हम कहते हैं कमेंट सही वैसे तो एस में भी ये बताना चाहिए था लेकिन हम लोग सी तक पहुंच गए तो ये कमेंट्स क्या होते हैं ये कमेंट आपका जो ब्राउजर है या आपका कंप्यूटर है ये इसको नहीं पढ़ता ब्राउजर को समझ आ जाती है कि ये आपने अपने लिए लिखा है मतलब तो अपनी कोई याददाश्त के लिए आपने ये चीज़ लिखी है तो हम इसको क्या कहते हैं कमेंट मतलब ये वही वाला कमेंट है जैसे आप फेसबुक पे कमेंट करते हो अब वो कमेंट्स आपके लिए होते हैं आपके दोस्तों के दरमियान होते हैं तो ये भी बेसिकली आपके लिए है ब्राउजर इसको नहीं पढ़ता अब ये लगता कैसा है इसको कंट्रोल दबा के इसमें कंट्रोल को प्रेस करते हुए अगर आप फॉरवर्ड स्लैश जो ये वाला फॉरवर्ड स्लैश होता है उस बटन को दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कमेंट बन जाता है तो मैं बोलता हूँ कि भैया मैं सिलेक्टर्स की बात करने वाला हूँ मैं दूसरी लाइन पे बोलता हूँ टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स ठीक है अब टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स की बात आती है तो टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स में जो पहला सेलेक्टर होता है वो टैग सेलेक्टर होता है सही है अब इस टैग सेलेक्टर को क्या कह ये क्या चीज़ है इसको अब थोड़ी देर में आते हैं पहले इधर देखते हैं कि ये हमारे जो जॉन टकेट चाचा हैं वो क्या कह रहे हैं ये इंट्रोडक्शन अब ये लिंक का टैग बता रहा है आपको जो हमने अभी अभी थोड़ी देर में यूज़ किया है बाकियों के पास में हम थोड़ी देर में आएंगे अभी हम किसकी बात कर रहे हैं सिलेक्टर्स तो इसने भी पहला टॉपिक सेलेक्टर्स का ही चुना है अब इसके बाद यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इसने कुछ अलग अलग किस्म के सिलेक्टर्स के नाम बताए हैं सही है जो बेसिकली मैं आपको जिसकी नाम बताया मैंने टैग सेलेक्टर वो बेसिकली इसको क्या कह रहे हैं टाइप सेलेक्टर ये दोनों एक ही चीज़ है लेकिन मैं इसको टैग क्यों कह रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा याद रखना बहुत आसान होता है <coughs> तो ये इंट्रोडक्शन का बेसिकली जो चैप्टर है ये ज़्यादातर थ्योरी 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 पे काम करेगा उसके बाद आगे कलर ठीक है लेकिन ये कलर तो अगर आपको डायरेक्ट पढ़ा लिया तो आप किसी काम के नहीं रहोगे तो पहले टैग सेलेक्टर को हम पढ़ते हैं बुक इसको बिल्कुल ही छोटे से एक लाइन में इसने बताया हुआ है तो लेकिन एक लाइन ही होनी चाहिए आपको समझ आना चाहिए तो टैग्स तो आपने एस्टीमेल के देखे हैं ठीक है दूसरा क्या कह रहे हैं किस तरह का सेलेक्टर है ये टैग सेलेक्टर है तो टैग सेलेक्टर क्या कहता है कि आपको अगर किसी एलिमेंट को हिट करना है आपको किसी एलिमेंट का कोई कलर साइज कुछ भी चेंज करना है तो आप सिंपली उसका क्या लिख दो उसके टैग का नाम लिख दो सिंपल सही है टैग सेलेक्टर क्या कहता है कि जिस टैग पे आपने काम करना है उसका क्या लिख दो नाम फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर हमने क्या चीज़ यूज़ की हुई है एच वन यूज़ किया हुआ है तो मैंने उसका क्या लिख दिया एच वन का नाम तो उसके बाद आपको पता है कि अभी ने थोड़ी देर पहले पढ़ा तो पहले सेलेक्टर होता है सिलेक्टर के बाद क्या होता है एक करली ब्रैकेट्स होते हैं करली ब्रैकेट्स के अंदर क्या होती है प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टीज़ बेसिकली वो चीज़ है जो आपको बदलनी है जैसे कि बैकग्राउंड कलर ये भी एक प्रॉपर्टी है कि मुझे क्या चीज़ बदलनी है बैकग्राउंड कलर एक है फ़ॉन्ट साइज़ मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ बदलना है एक है फ़ॉन्ट वेट मुझे फ़ॉन्ट का वेट बदलना है मुझे बढ़ बढ़ानी है मुझे हाइट बढ़ानी है तो ये सारी चीज़ें क्या हैं प्रॉपर्टीज़ ये बात समझ आ रही है अगर आप प्रॉपर्टी की उर्दू में मायने भी देखेंगे तो यही होता है कि किसी चीज़ की कोई तारीफ़ कि किसी चीज़ को आप कैसे बयाँ करोगे तो वो उसकी क्या होती है प्रॉपर्टीज़ कि एक आपके सामने चीज़ पड़ी है आप वो आपसे कोई पूछता है कि इसको ज़रा बयाँ करो तो आप बोलोगे यार इसका साइज ये है इसका कलर ये है ये बॉक्स की तरह है ये डायमंड की तरह है ठीक है इसका वेट इतना है तो इस तरीके से बेसिकली क्या होती है प्रॉपर्टीज़ तो सी एस एस में प्रॉपर्टीज़ यही होती हैं कि आपको बदलना क्या है क्योंकि याद है हमने कहा था कि कुछ चीज़ें होती हैं डिफ़ॉल्ट तो एस टी एमेट में कुछ चीज़ें पहले से ही डिफ़ॉल्ट लगी हुई हैं लेकिन आपको सी एस एस इस चीज़ की पावर देता है कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हो बात समझ आ रही है जैसे कि एक हम लोग अभी सबसे ईजी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है कलर।, कलर कलर के बाद क्या आएगा कॉलन आएगा उसके बाद क्या आएगा उसकी वैल्यू आएगी अब वैल्यू में प्रॉपर्टी में वैल्यू डिपेंड करती है उसकी प्रॉपर्टी पे हर प्रॉपर्टी की अपनी अपनी वैल्यू होगी अब जैसे कि कलर है अब कलर में ये नहीं हो सकता कि मैं उसको बोलूँ मुझे कलर देना है और मैं बोलूँगे दो सौ पचास गज देना है ये अजीब सी बात हो जाएगी कि मुझे 240 किलो देना है तो ये अजीब सी बात हो जाएगी तो कलर के लिए इसकी खुद की वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू होती है कि कौन सा कलर देना है बहुत सिंपल तो उसमें हम इसको कौन सा कलर दे रहा हूं रेड अच्छा आप रेड लिखोगे तो सामने से छोटा सा बॉक्स नजर आ गया है जिसमें आपको दिखा रहा है कि किस तरह का कलर आ रहा है ये अगेन वी कोड का काम है अगर आप यही काम नोट पैड करोगे तो आपको ये बॉक्स नजर नहीं आएगा अब मैंने वैल्यू लिख दी है वैल्यू के बाद क्या आना था सेमी कॉलन तो आपने सेमी कॉलन लगा दिया तो आपका बेसिकली सी एस एस का साइंटेक्स मुकम्मल हुआ आपने सेलेक्टर लगा लिया आपने प्रॉपर्टी लगा ली आपने वैल्यू लगा ली प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कॉलन आ गया और जैसे ही लाइन ख़त्म हुई तो सेमी कॉलोन आ गया तो ये बेसिकली आपका सी एस एस का स्टार्ट है अभी हमने लगाया किस पे एच वन पे तो एच वन में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड जरा अब हमने हमारे इस पर वैल्यू पे जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे इसके साथ क्या बना ठीक है तो अब हमारे पास ये जो हेलो वर्ल्ड हमने लिखा हुआ था इसका कलर क्या हो चुका है रेड हो चुका है यानी कि आपने जो सी प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश की थी वो लग चुकी है ठीक है अब हम सी में आते हैं एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं H2 मैं बोलता हूँ दिस इज़ हेडिंग टू मैंने सेव करूँगा तो मेरा वहाँ पे दिस इज़ हेडिंग टू आ जाएगा अब हम इधर आते हैं हम न्यू लाइन बनाते हैं क्योंकि ये पूरा किसके लिए है H1 के लिए तो हम न्यू लाइन पे आते हैं यहाँ पे लिखते हैं क्या H2 उसके बगैर क्या देना है करली ब्रेसेस करली ब्रेसेस में मैंने बताया कलर कलर में मेरे पास क्या या फिर कॉलन कॉलन में मैंने लिख दिया ब्लू जब मैंने ब्लू लिख दिया तो अब ऊपर वाला रेड है नीचे वाला ब्लू है सिंपल और वी एस कोड की एक और ख़ास बात है कि जब भी आप कोई कलर बताओगे उसे कोई भी आप कलर बताओगे तो आप इस बॉक्स पे क्लिक कर सकते हो जब आप इस बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये पूरा डब्बा खुल के आ जाता है अब इसमें मजे की बात है कि आप कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जैसे कि आप कहते हो कि मुझे हरे की तरफ़ जाना है ये, ये येलोइश है ये रेड है आप मतलब कोई भी कलर सेलेक्ट करें मैंने फर्स्ट करें ये कलर सेलेक्ट किया अब यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल है इधर इस सर्कल को अगर आप पकड़ेंगे तो ये आपको ये बोलाएगा कि इसकी ब्राइटनेस कितनी है आप जहाँ पे छोड़ेंगे वो वाला कलर वहाँ पे लग जाएगा तो इवेंचुअली इसके थ्रू आप कोई भी कैसा भी कलर यहाँ पे लगा सकते हैं किस तरह का कलर भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारे पास आपकी अब पहली पहली प्रॉपर्टी है और यहाँ पे उसके कलर्स लगाने की टेक्निक है तो आई थिंक सी एस एस के इंट्रोडक्शन में फ़िलहाल आपके लिए इतना काफ़ी है तो आप जब आप घर जाएँ तो इसको कम अज़ कम एक बार सी एस एस को अटैच करें लिंक करें अपनी एस के साथ आपने एस की बहुत सारी फाइलें बनाई भी होंगी मुझे यकीन है कि आप बहुत मेहनती लोग हैं आप घर जाके रोज़ प्रैक्टिस करते होंगे तो उसकी चार पाँच हफ्ते से क्लासेस चल रही हैं तो पांच पाँचे फाइलें तो बन चुकी होंगी तो उन पाँचे फ़ाइलों में से कोई भी एक फाइल सेलेक्ट करें और उसके अंदर सी की लिंक करें प्रॉपर्टीज़ और कोई भी किसी का भी कलर चेंज करने की कोशिश करें ठीक है तो और आपको खुद देख के पता लग जाएगा कि अगर आपने सही लिंक किया होगा तो उसका कलर बदलेगा अगर सही लिंक नहीं किया होगा तो कलर नहीं बदलेगा तो ये बेसिकली आपका सी का स्टार्ट होगा और क्योंकि आज बेसिकली दोनों थे थोड़ा आधा एच भी था और आधा सी भी था तो हमने थोड़ा बहुत इसमें तो कम बस आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह बताई हैं इन जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ का पूरा एक बस्ते बस्ता भरा हुआ मिलेगा जो आप घर लेके जाएंगे ठीक है तो असाइनमेंट अगेन